हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश सिंप्लीफाइड एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 है, द रेड ट्रैप। आज हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे। तो ये जो थीम है, ये जो क्वेश्चन है आपसे स्टूडेंट्स, 4 या 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप की। इस स्टोरी की थीम क्या है द रेड ट्रैप? तो आंसर होगा, द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट। कि इसकी जो मेन थीम है स्टोरी की स्टूडेंट्स, वो यही है कि ज़्यादातर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो इस संसार के जो मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, जो छोटे छोटे भौतिक साधन होते हैं, उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाते हैं। बट एवरी ह्यूमन बीइंग आर इनहेरेंट गुडनेस, लेकिन सभी मनुष्य जो होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई जो होती है छुपी हुई होती है। देयर आर टू पाथ्स इन फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड। और हर मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं, और एक रास्ता जो होता है अच्छाई की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता जो होता है वो बुरा होता है, यानी कि बुराई की तरफ लेकर जाता है। इन डिपेंड्स ऑन हिज सर्कमस्टांसिस विच पाथ ही विल हैव टू वॉक। और ये उसकी परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस रास्ते के ऊपर जाएगा। देयर इज़ अ गुडनेस हिडन इनसाइड एवरी बैड पर्सन दैट कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। अब हर मनुष्य के भीतर एक अच्छाई जरूर छुपी हुई होती है, और ज़रूरत होती है कि हम उसको प्यार से और समझदारी से उसको जगाएं, उसको जगाने की कोशिश करें। द पर्सन गेट्स ईजली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स थिंग्स दैट आर ईजली ऑब्टेंड। अब ये एक मानव का स्वभाव होता है कि जो व्यक्ति जो होता है स्टूडेंट्स, बड़ी जल्दी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो चीज़ें उसे बड़ी आसानी से मिला करती हैं, और जिसको पाने के लिए उसे कोई कठिन मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये एक मानव का स्वभाव है। देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। और यहाँ पर मानव के जीवन की 3 बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अ पुअर पर्सन कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू फुलफिल देम। और एक गरीब इंसान जो होता है, वो इनको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि एक रोटी जो होती है उसके लिए, इंसान के लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, कपड़ा ज़रूरी होता है, और सिर पर छत भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। बट इट डज़ नॉट मीन दैट द पर्सन इज़ वर्स देन हिज हार्ट एंड हिज सोल। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वो व्यक्ति जो होता है अपने दिल से, अपनी आत्मा से बिल्कुल रोस होता है, यानी कि बद से बदतर होता है, उसका दिल, उसकी आत्मा मरी हुई नहीं होती। ठीक है, उसके सामने स्टूडेंट्स बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि शायद वो काम करना चाहे लेकिन उसे काम ना मिले, लोगों के द्वारा उसे ठुकराया जाए, तब वो क्या करेगा? अपनी इन मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कहीं ना कहीं चोरी का या किसी और साधन का सहारा लेगा, जो कि शायद इस सोसाइटी की नज़र में गलत चीज़ों को इंडिकेट करेगा। दिस स्टोरी इज़ अ फिक्शनल स्टोरी दैट शोज ह्यूमन काइंडनेस, दैट ह्यूमन बींग कैन ब्रिंग चेंज इनसाइड एनी अदर बैड पर्सन बाय देयर काइंडनेस। और ये जो स्टोरी है, ये एक बहुत ही काल्पनिक स्टोरी है, जो ये बताती है कि हर इंसान के अंदर दयालुता होती है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है, और कोई भी दूसरा जो व्यक्ति होता है, वो इस बुरे व्यक्ति के अंदर से दयालुता को बाहर निकाल सकता है, उसको इनसाइड चेंज कर सकता है, सिर्फ अपनी दया दिखाकर, अपनी करुणा को दिखाकर। द स्वीडिश राइटर सेल्मा लगरलॉफ एक्सप्रेसेस द बिलीव दैट देयर इज़ अ कोर ऑफ गुडनेस इन ऑल पीपल। अब जो स्वीडिश राइटर हैं सेल्मा लगरलॉफ, और ये कौन है स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की राइटर हैं, जिन्होंने चैप्टर लिखा है, उनका ऐसा विश्वास है कि हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं किसी कोने में गुडनेस छुपी हुई होती है, एंड दैट इज़ गुडनेस कैन बी अनलॉक्ड बाय कंपैशन एंड काइंडनेस। और ये जो गुडनेस होती है, इसको अनलॉक किया जा सकता है किसके द्वारा, कि करुणा दिखाकर, दया दिखाकर, और प्यार और सहयोग दिखाकर। तो इस चैप्टर का जो थीम है स्टूडेंट, वो यही है कि हर इंसान भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में गलत कामों की तरफ चला जाता है, और जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कई बार वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता, और इसी वजह से वो गलत रास्तों पर जाता है, चोरियां करता है या दूसरी चीज़ें
को अंजाम देता है। ज़रूरत होती है कि हर इंसान के अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है, जो कि गॉड गिफ्टेड होती है, हम दया दिखाकर, करुणा दिखाकर उसको जगा सके, उसको बाहर कर सके। तो उम्मीद है स्टूडेंट यह आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।